वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में क्रोम का एचपी क्रोम CB2 मॉडल है। आप इसकी बैटरी और इसकी चार्जिंग पॉइंट यूएसबी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। कीप वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज़ आईटीएल पर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको पीछे से प्रेस करना है। मैं दिखाता हूँ आप सेम तरीके से करें। आपके पास एक पतली सी कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ये है, आप प्लास्टिक का कुछ यूज़ कर लें या अपना एटीएम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास है तो वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने इधर रखा है, इसको आप हल्का सा ऊपर उठाएंगे, ये थोड़ा सा जाम होता है। ये चीज़ थोड़ा सा जाम होता है, बस तो आप प्रेस करोगे तो ये निकल जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इजीली आपकी चीज़ निकल जाती है। अब यहाँ पे आपके तीन स्क्रू दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इजीली शो हो जाएगा। और जो नीचे के स्क्रू के पॉइंट होते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता है स्क्रू, बस आपका स्लॉट दिया हुआ है वहाँ पर। और एक एक करके मैं इनको भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने स्क्रू निकाल लिए हैं इसके, और अब जो इसका पॉइंट आया है यहाँ पे, इसके नीचे भी दो स्लॉट होते हैं स्क्रू के, लेकिन उनके अंदर स्क्रू नहीं होता, ये आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ ना उतारें, ये प्लास्टिक जो होती है वो थोड़ी आपकी लकड़ी की तरह होती है, आप इसको निकालोगे तो ये आप चीज़ आपकी टूट भी सकती है, तो इसको ना ओपन करें तो ही बेहतर है। अब सेम प्रोसेस है आपके पास, जिस चीज़ से आपने पहले किया था आपको सेम उसी चीज़ से आपको फिर प्रेस करना है और वो चीज़ आपको निकाल लेनी है साइड में। यहाँ पे किनारे पे आपको यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं, तो आप हल्के हल्के उसको प्रेस करोगे तो ये चीज़ आपकी लॉक जो है निकल जाएंगे। ये देखो इजीली निकल गया। कभी कभी ये चीज़ ओपन नहीं हुई होती तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा जो है वो चिपका होता है, ठीक है ना, अपने पॉइंट पे गम से, तो आप थोड़ा सा हार्डली प्रेस करोगे तो ये आपका इजीली निकल जाएगा। लो भाई कर दी। इसके नीचे गम चिपका होता है, ये यहाँ पे गम लगा होगा, सेम तरीके से आपको इजीली निकाल देना, अब इसकी बैटरी की जो वायरिंग आती है, इस बैटरी यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट आपका बैटरी का है, इसको आप हल्का सा प्रेस करोगे ऐसे ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे तीन स्क्रू चार स्क्रू होते हैं, वो इसमें लगे नहीं है, शायद पहले खुला होगा ये, तो आप इजीली जो है आपकी ये चीज़ जो है पतली सी चीज़ जो आपकी मेट्रो कार्ड या एटीएम कार्ड जैसा होता है पतला सा, उसकी बहुत ज़रूरत होगी इसके अंदर, तो आप किनारे पे यहाँ लगाएं। किनारे से ही निकलेगा ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी चिपका होता है, इसके जो सारे पार्ट्स जो हैं वो चिपके हुए हैं, जो इसका मदरबोर्ड भी जो है इसका वो भी चिपका हुआ होगा। ये आपकी बैटरी इजीली निकल गई है, ठीक है। अब आपको जो है इसका चार्जिंग का यूएसबी पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्रू हैं, ये चारों आपको खोलने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को खोलें, इस पार्ट को खोल के आप निकालोगे तो ये चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पावर पॉइंट है, उसको भी आपको मूव करना है। ये केबल भी मैंने मूव कर दिया। अब इसके साथ में एक केबल और है,
ये आपको इसको भी मूव करना, ये भी मैं मूव कर देते हैं, इसको भी, ये भी मूव हो चुका है। अब हम इसके तीनों चारों स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वन है, चौथा। ये हमारे चारों स्क्रू खुल चुके हैं। अब आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें जो दिक्कत आती है ज़्यादातर यूएसबी की आएगी आपको या चार्जिंग पॉइंट की आएगी। आप इसे किसी भी रिपेयर वाले से निकाल के रिपेयर करवा सकते हैं, बहुत ही हल्के बजट में आपका काम हो जाएगा अगर ये चीज़ आपको मिल गई तो। नहीं तो आप जाओगे तो आपका खर्चा बेसिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसका बोर्ड भी बहुत छोटा है, मोबाइल जितना मदरबोर्ड है। आप सेम प्रोसेस से सारे स्क्रू खोलोगे तो इसका मदरबोर्ड भी निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और एक्साइटिंग वीडियो अपलोड करता रहूँगा।